बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि हम साथ साथ हैं। मैं आज गांव में हूं और आज आपको अपना गांव दिखाता हूं। आप बताइएगा कि आपको मेरा गांव कैसा लगा। तो चलते हैं गांव देखने। चलते हुए हवेली की तरफ आ रहे हैं। यहां पर हमारे जो माल मवेशी हैं उनकी जगह है। रास्ते पर नसीर भाई मुर्गी की कुर्बानी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। और ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस आ गया है, मुर्गियां शहरी मुर्गियां हैं, शहरी मुर्गियों में कोरोना वायरस आ गया है। हाँ, इसलिए देसी मुर्गी को जिबा किया जा रहा है। ये जी हाजी मोहम्मद मुजम्मल भट्टी की दुकान है जो इस छोटे से गांव के अंदर खूबसूरती की अलामत है। भट्टी साहब खुद जो है वो बीटेक इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को प्रेफर किया और यहाँ पर इस छोटे से गांव के अंदर एक खूबसूरत जनरल स्टोर बनाकर बैठे हुए हैं। और बकौल उनके वो कहते हैं कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। जी भट्टी साहब क्या कहते हैं आप? हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस है। अभी हम बाग की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे पीछे पीछे मुजम्मल भट्टी हैं। यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ऊंचा है जिसकी बिना पे हम ऊपर ही पीटर इंजन लगा देते हैं और इससे अपनी फसलों को सैराब करते हैं। ये बाग है जिसके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अमरूद कितने खुशों के साथ लगे हुए हैं और ये खूबसूरती और ताकत की अकासी कर रहे हैं। ये जी मुजम्मल भाई ने अमरूद तोड़ा है, बड़ा मज़ेदार और लजीज अमरूद है। अभी बाग की सैर बाकी है और सीन ऑन है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जो है क्योंकि अमरूद का सीज़न शुरू हुआ हुआ है, हर तरफ अमरूद ही अमरूद हैं और ये अमरूद खाने के लिए बहुत बेहतरीन हैं। शरकपुर अमरूद और चावल की वजह से बड़ा मशहूर है। नदीम भाई क्या हाल है? कैसे हैं? कैसे जा रहे हैं अमरूद यार? बहुत अच्छे जा रहे हैं। हमारे शरकपुर के या हमारे इलाके के अमरूद बड़े मशहूर हैं, उसकी वजह क्या है? ये हमारी जमीन बहुत अच्छी है। ओके हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यानी कि ये आप देखे जरा, मैं आपको जो है वो पूरी लोकेलिटी दिखा रहा हूँ कि हमारी ये जो जमीन है यहाँ का अमरूद, यहाँ की फसल जो है वो बड़ी शानदार होती है क्योंकि ये जमीन बहुत अच्छी है। दोस्तों शाम के वक्त डूबता हुआ सूरज गांव की खूबसूरती की अलामत है। ये देखें, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी लड़की की माथे की बिंदिया है और खूबसूरती की अकासी कर रही है ये छोटी सी मस्जिद। गांव के अंदर मज़हब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ लगावट का एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है। वो गाड़ी खड़ी है और साथ में हमारे वो ज़रिए आलात हैं जिनके ज़रिए हम फसलों के अंदर बीज बोते हैं, फसलें जो है वो उगाते हैं ताकि ये हरियाली हमेशा के लिए इंसानों के चेहरों पर और इस ज़मीन पर कायम व दायम रहे।